हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। और सारे किदा चंगे खुश रहो ते मस्त रहो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी कुर्तियाँ जो कि हमने घर पर ही बनाई हैं, तो इससे आपको भी आइडिया हो सकेगा कि किस तरीके से ट्रेंड में कुर्तियाँ चल रही हैं और किस किस कपड़े का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुर्तियाँ बनाई भी हों, लेकिन एक आइडिया ही मैं दे रही हूँ कि हम कुछ इस तरीके से अपने कपड़ों को यूज़ में लाते हैं। तो हो सकता है कि आप भी कभी किसी कपड़े को लेकर कन्फ्यूज़न में हों, तो इस तरीके से आप कुर्तियाँ ड्रेसेस घर पर ही बना सकते हैं या फिर किसी बुटीक या टेलर को भी देकर आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट पर, और जो आपकी यूज़लेस चीज़ें हैं, कपड़े हैं, आप उन्हें किस तरीके से यूज़ में लेके आ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो हॉल शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने और दीदी ने मिलकर इकट्ठे बनाई हैं। तो चलिए फिर, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या अब तक घर पर बनाया है। और मैं आज पूरा शेयर तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ड्रेसेस काफ़ी हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको पार्ट बाय पार्ट में ही वो सब चीज़ें दिखा पाऊंगी। तो आज मैं आपको एक पार्ट में दिखाती हूँ कुछ ड्रेसेस जो कि मैंने और दीदी ने मिलकर घर पर बनाई हैं। तो चलिए फिर देखिए। तो ये है हमारी पहली ड्रेस जो कि मुस्कान के लिए बनाई है हमने, और ये हमने प्लेन कपड़ा लिया था मार्केट से लगभग 100 रुपीज़ के करीब, और ये कुछ लॉन्ग ड्रेस हमने इस तरीके से बनाई है। और ये अम्ब्रेला कट में बनी है जो कि स्लिम ट्रिम लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। सॉरी, ये 100 रुपीज़ पर मीटर का कपड़ा हमने प्लेन लिया और उसकी ये ड्रेस बनाई। तो इसकी स्लीव्स भी हमने अम्ब्रेला कट बनाई है कुछ इस तरीके से, और इस पे ये हमने मल्टी कलर की लेस लगाई है। लगभग 3.5 मीटर के करीब इसका कपड़ा लग गया है, और ये हमने इसका नेक बनाकर इसमें बॉल्स लगाए हैं, यहाँ पे भी लेस लगाई है। ये बहुत ही कम प्राइस में हमारी रेडी हो गई घर पर ही ड्रेस, और इस ड्रेस को हम अक्सर जो हल्दी सेरेमनी होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो ड्रेसेस हैं जो डेली यूज़ में नहीं पहनी जाती। तो बहुत ही कम प्राइस में ये हमारी ड्रेस हो गई तैयार, और इसकी कमर के साइड में हमने ये टसल्स डोरी वगैरह भी लगाई है जिससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये रही हमारी कंप्लीट ड्रेस। और अगली ड्रेस है ये भी मैंने मुस्कान के लिए बनाई है। ये थी मेरी एक साड़ी जो डेली यूज में आती थी यूज़, लेकिन अब साड़ियाँ पहननी जैसे बंद कर दी हैं, तो उसके लिए एक लॉन्ग ड्रेस बनवा दी है। और इसकी जो प्लेट्स हैं, ये बॉक्स प्लेट्स हमने डाली हैं क्योंकि स्लिम ट्रिम लड़कियों के लिए ये फुली ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, और ये ड्रेस आप कहीं भी कभी भी पहन सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप भी अगर किसी तरीके से अपने कुछ कपड़ों को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा ये सब कुछ। और ये सूट भी हमने मुस्कान का बनाया है, रियॉन का फैब्रिक है, फ्रॉक स्टाइल वाली इसकी कमीज है, और इसके साथ प्लाजो है, इसकी फुल स्लीव्स बनाई है, साथ में बनाया है प्लाजो, ये भी बहुत अच्छा मुस्कान पे लगा है। तो इस तरीके से जो स्लिम ट्रिम लड़कियां हैं उनके लिए फ्रॉक स्टाइल में ये कपड़े आजकल चल रहे हैं। तो अगली कुर्ती है ये हमारी फिरोजी कलर की, और इसका कपड़ा है रियॉन का जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, और ये भी मुस्कान की बनाई है फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती, और यहाँ इसके लिए कुछ टसल्स लगाए हैं, और वो इस तरीके का कलर और कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और इसकी स्लीव्स भी फुल हैं, और प्लस इसका घेर बहुत अच्छा आया है, और इसकी ये हल्की 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 पतली वाली हमने यहाँ डाली हैं चुन्नटें, जिससे इसका फ्लेयर तो काफ़ी है ही है, और पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और खूबसूरत के साथ साथ ये कंफर्टेबल भी इतना है, और ये हम सबको इतना पसंद आया कि आपको हंसी आ जाएगी सुनकर कि जितना भी उसके पास था ये थान, लगभग 10 मीटर कपड़ा था उसमें, और ये हमें इतना पसंद आया कि हमने पूरा का पूरा उससे थान उठा लिया। और फिर उस थान में से मुस्कान का हमने ये प्लाजो सूट बनाया, इसके साथ हमने प्लाजो बनाया है, प्लस एक सूट मेरा बना, और एक कुर्ती दीदी की बनी वो भी फ्रॉक स्टाइल में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस बार पता लगने वाला है कि हम सारे एक ही घर के लोग हैं जिन्होंने एक ही थान से निकाल के कपड़े पहने हैं। और अगली ड्रेस बनाई है ये मुस्कान की जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, फैशनेबल है, क्योंकि आप इसका लुक देखिए और कलर देखिए,
ये बम्बर का कपड़ा आता है ये उसमें है और इसके नीचे थोड़ा अस्तर लगाया गया है और साथ ही साथ कमर टाइट करने के लिए डोरियां लगाई गई हैं। और इसका लुक देखिए कि फ्रंट का जो पार्ट है वो छोटा है और जो बैक साइड है वो बड़ा है, तो इसका बैक पार्ट काफ़ी लंबा है और फ्रंट पार्ट इसका थोड़ा शॉर्ट बनाया है कुछ राउंड शेप में। तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल की कुर्ती तैयार हुई है जिसे कि जीन्स या प्लाजो के ऊपर आप पहन सकते हैं और ये स्कर्ट के ऊपर भी यूज़ हो सकती है, यानी कि 3-in-1। आप इसको कहीं भी पहन सकते हैं, आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं, आप घर पर भी पहन सकते हैं और आप इसको किसी फंक्शन पर भी पहन सकते हैं। और ये बनाया है मुस्कान के लिए टॉप, बहुत ही ये मुलायम सा कपड़ा है कॉटन का और इसको हमने बहुत ही ट्रेंडी बनाया है और वेस्टर्न लुक में जो जीन्स के ऊपर हम लोग इसको वेयर कर सकते हैं। और ये गलाटी वाला गला है, आगे बटन लगा दिए गए हैं और यहाँ इसकी मोटी मोटी प्लीट्स इसको डाल दी गई हैं जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और इसकी हाफ स्लीव्स हमने रखी हैं जो कि समर में काफ़ी कम्फर्टेबल है, तो इस तरीके से ये टीन एज वाली गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और ऐसा टॉप वो लेडीज़ भी बनवा सकती हैं जिनका थोड़ा टमी बाहर निकला हुआ हो, क्योंकि फ्रिल के कारण ये उनका पार्ट छुप जाएगा तो वो अपने प्लाजो या जीन्स के ऊपर भी इसको वेयर कर सकते हैं। और अगली ड्रेस है रेड कलर की जो कि आप किसी भी फंक्शन के लिए बनवा सकते हैं, खासकर गर्ल्स। ये नेट का कपड़ा लिया है हमने और पीछे से काफ़ी लॉन्ग और आगे से काफ़ी शॉर्ट लेते हुए हमने इसको बनाया है और ये गर्ल्स पर बहुत ही अच्छा लगता है। इसको भी आप प्लाजो के साथ, पैंट के साथ, जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ किसी भी तरीके से आप इसको पहन सकते हैं और किसी भी पार्टी फंक्शन और डेली यूज में भी पहन सकते हैं। अगली ड्रेस है ये सिंगल मिडी जो कि हमने घर पर ही बनाई है और बनाई है दीदी की बेटी के लिए, वो भी मुस्कान जितनी ही है। और ये है रियोन का कपड़ा क्योंकि उसे भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा चाहिए होता है। तो और ये है इसका वेस्टर्न कलर है, वेस्टर्न प्रिंट है और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और ये सिंगल मिडी है जो कि समर में गर्ल्स के लिए पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और आप इसको मार्केट वगैरह में भी पहन सकते हैं। इसकी हमने चुन्नट वाली थोड़ी सी स्लीव्स बनाई है जिससे इसका लुक और भी खिल के आता है। तो आप अगर गर्ल्स के लिए बनाना चाहते हैं घर पर ही तो कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला कट की मिडी बनाइए और वेस्टर्न लुक ये आपको देगी। और गर्ल्स खासकर इसके साथ वाइट पेंसिल हील वाली अगर वैली फुटवियर पहनेगी तो इससे उसका ग्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाला है और वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर टाइप की ड्रेस ये आपकी घर पर ही रेडी हो जाएगी। ये बनाया है हमने प्लाजो पंजाबी सूट जो कि शगुन की पसंद का है, उसे पिंक कलर बहुत पसंद है तो उसने कहा कि मुझे राखी के टाइम पे ऐसी ड्रेस बना के दीजिए। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसका फैब्रिक सिल्क का है और प्लस इसमें स्टील पीस का वर्क किया गया है। इसकी अम्ब्रेला कट हमने स्लीव्स बनाई है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और गर्लिश लुक में ये बहुत खूबसूरत सूट बना है। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।